अगर आप सोल की बात करेंगे, देखिए कंपाउंड एक्सेस उनके पास है, पर हैदराबाद हाइड्रास के मैक्स ईओपी जो काफी देर तक काफी टीम्स को तंग कर रहे थे, यहां पर ओपन में आके लेट जाते हैं। बहुत ही आसान सा एक पिक रहेगा जोनाथन के लिए, लेजर स्प्रे नॉकआउट, लेजर स्प्रे फिनिशर हमें देखने का मौका मिलेगा। एक बेहतरीन फिनिश पॉइंट उठाया जाता है, लेकिन जोन का शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टीम्स काफी फैली हुई है, टीएसएम नॉर्थ पे है, गॉड लाइक की टीम आपको नॉर्थ ईस्ट पे नजर आएगी, बट कंपाउंड कवर सोल एंड ओआर के पास रहेगा। यही दो टीम से जो अभी कंपाउंड कवर पे खेल रही है, गॉड लाइक नियो का एक बेहतरीन पे आएगा, जिससे एक नहीं स्काईलाइट्स गेमिंग के पुकारन कमला बॉय दो खिलाड़ियों को नॉकआउट करने में सक्षम। स्काईलाइट्स गेमिंग ओपन एरियाज में रहने के लिए ये बहुत बड़ी एक गलती हो सकती है। क्लच गॉड इमीडिएटली आगे बढ़ते बढ़ते उनके ऊपर भी रिटेलिएशन आएगा, सोमराज को जोनाथन क्लोज रेंज में टेक डाउन करेंगे, आखिरी प्लेयर बचे हुए वैक्सी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इनके पास, लेकिन दोनों तरफ से अटैक, जोनाथन को चैलेंज आप नहीं करते, इसीलिए आते हैं क्लोज रेंज में डोमिनेट करते हैं, बेहतरीन बेहतरीन एक एग्जीक्यूशन आएगा। ज़िगॉर्ड फाइनली वैक्सी को डाउन करते हैं, बहुत ही लो एचपी के साथ सर्वाइव कर रहे थे आफ्टर जोनाथन केम इन अ वन वर्सेस वन ड्यूल, बट इसी के साथ साथ उस एरिया का एक्सेस भी गॉड लाइक की टीम ले चुकी है। टीएसएम पिछले एरिया से सिंक इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हैदराबाद हाइड्रास के कैरी अभी भी